दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे NCR के नए 3-phase लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन इन दिनों साकार हो रहे हैं। दोस्तों, ट्रेन से हम यातायात का काम तो ले ही रहे हैं और अब साथ ही साथ ट्रेनों को रोकने में जो अभी तक ऊर्जा बर्बाद होती थी, उस ऊर्जा को भी हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे यह 3-phase लोकोमोटिव ट्रेन इंजन बिजली बना रहे हैं। दोस्तों, पहले के समय में इलेक्ट्रिक रेल इंजन 2-phase वाले DC करंट से चलते थे, लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ और हमारे इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत से अब 3-phase के इसी कारण से चलने वाले इलेक्ट्रिक रेल इंजन इस्तेमाल में लिए जाएंगे। इन 3-phase रीडिजाइनर इलेक्ट्रिक इंजनों में रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम लगा है। इस तरह की रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम वाले 267 इंजन NCR में चल रहे हैं और इन 267 में से 76 यात्री ट्रेन और 191 मालगाड़ियां हैं। दोस्तों, इन रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम से ट्रेन में जितनी बार ब्रेक लगता है वैसे ही बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है और पहिया में लगे जनरेटर काम करना शुरू कर देते हैं। पहियों की गति से बनी यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी रिवर्स चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और जनरेटर की मोटर स्पीड रिजर्व करके अल्टरनेट काम करना शुरू कर देती है और बिजली बनने लगती है। बनी हुई बिजली सीधे OAHE होते हुए ग्रिड में जाती है। इस रीजनरेटिंग ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ब्रेक एवं पहिए कम घिस रहे हैं, इंजन गर्म नहीं हो रहे हैं और संरक्षा सुरक्षा बढ़ रही है। एक इंजन अपनी जरूरत का 10-14% बिजली खुद उत्पन्न कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे अनुमान यही है कि यह परसेंट अभी और बढ़ेगा। इस टेक्नोलॉजी से ब्रेक लगाने में खर्च होने वाली ऊर्जा भी बच रही है। दोस्तों, ये रेल इंजन कितनी कीमत की बिजली की बचत कर रहे हैं जानने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। दोस्तों, ये नई टेक्नोलॉजी के इंजन कितनी कीमत की बिजली बचा रहे हैं एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, 13,250 यूनिट बिजली का उपयोग राजधानी एक्सप्रेस प्रयागराज से दिल्ली की दूरी तय करने में करती है और इनमें 1600 यूनिट यानी 12% बिजली का उत्पादन इसका इंजन खुद करता है और इंजन की कीमत 10 करोड़ रुपए है और इसकी उम्र 35 साल होती है। दोस्तों, इंजन की मदद से केवल अप्रैल से जून के बीच में NCR ने 600.17 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया है और 36 करोड़ रुपए की बिजली की बचत की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह 3-phase वाले इलेक्ट्रिक रेल इंजन कितने ज़्यादा सक्सेस होंगे भारत में, हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, इस जानकारी को हमारे वीडियो के माध्यम से अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।